भैया इनको कौन से कमरे में रखना है? आइए हमारे साथ। Hey, वो बाहर एम्बुलेंस खड़ा है, आ गए का दोनों? हाँ हाँ अभी आए, अंदर कमरे में गए हैं। मास्टर ने जिंदा लाश को घर लेकर आई है और बाबूजी भी एक के पक्ष में खड़े हो गए। इसके अलावा अगर सेवा करके इसने मन्नू को ठीक कर दिया तो मन्नू इसे माफ भी कर सकती है, फिर ये जेल कैसे जाएगी? बाकी मन्नू मर गई तो सरोजनी को फांसी पक्का है। इस लड़की को यहाँ से भेजने के लिए हमको कुछ करना होगा, इसी में हमारी भलाई है। ये लड़की यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, जल्दी कुछ करना होगा। चेहरे पे 36 क्यों बज गवा? ए, चलो यहाँ से झमेला हटाओ तुम लोग, चलो। सोमेंद्र और सरोजनी मन्नू का देखभाल करेंगे। जानती हूँ मनु कि तुम मुझे सुन सकती हो, मेरे पश्चाताप को महसूस कर सकती हो। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकती। तुमने हमारी पोल खोली थी ना, अब देखना हम तुमको कैसे भंवर जाल में डालते हैं। मैडम जी तुम करो सेवा और हम खाएं मेवा। अच्छा लाइए लिस्ट दीजिए, हम अभी लाते हैं। मैं जानती हूँ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी, मनु पर गोली चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस सुमेंद्र को बचाना चाहती थी। हमका पता है हम परेशान हैं, लेकिन हमारी परेशानी का कारण तुमने हालात है। अगर हमका तुम पर पूरा विश्वास है। मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ। हाँ तुम्हें ना पूरी साफ सफाई कर लो, तब तक हम भंडार घर से ठकुआ और सोहराई का सामान निकाल लाते हैं। करो करो है, जल्दी करो है। चलो अच्छा है, कम से कम 2 घंटे तक ये रसोई में बिजी रहेंगी, तब तो मनु का काम तमाम।